गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नॉइज इज कमिंग सर, सम नॉइज इज कमिंग सर। अच्छा, माय सिस्टम, थ्रू थ्रू माय सिस्टम। गुड आफ्टरनून सर। Now it is Yes, now it's okay, sir. क्लियर सर, क्लियर। ड्यू टू हीट के चलते जो है आवाज आ जा रहा है। लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे, वी जस्ट टेक द ओवरव्यू ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज। नाउ व्हेन द पर्टिकुलर लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हेन इट इज अप्लाइड टू डेवलप सर्टेन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द गूगल, गूगल रिलेटेड प्रोडक्ट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द पर्टिकुलर लैंग्वेज। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट some of the features which is included and some of the features which is excluded from the Go programming language in the previous lecture, and the concept of pointer arithmetic and the how the Go program get executed so step by step, and how you can check the installation whether your installation is okay or not. So that will be completed. Today we'll discuss about the structure. Any specific basic program structure of Go programming language. Basically, in each and every programming language, you just see that there is a standard format we have to use to write up the particular program. कोई भी program लिखने के लिए एक standard format हम use करते हैं, चाहे वो C, C++, Java, सी शार्प, डॉट नेट, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम, विजुअल बेसिक, कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेंटेन होता है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम और फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव। तो इन जिप गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो देर इज ए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम। एज वी डिस्कस अर्लियर in the go programming there are several parts. Whenever you are writing program in go programming language, then several parts, and that parts are first of all package declaration. So package declaration is the beginning of the particular go programming language. Whenever you are going to write a program, so first of all you have to declare the package, as like other programming language Java or in C++, also in C also you are including header file, because you are going to use that particular header file in which the particular function is available. So whenever you want to use a specific function, jab bhi aap koi specific function use karna chahte hain to uska inclusion pehle karte hain. So go mein bhi aapka package declaration is the initial first point. Second point is the inclusion of the package. So in C++ you are using hash include to include the package. That's why I mentioned in the left hand side. In C or C++, we are mentioning hash include studio, conio, math.h. But here, as like Java, we just use import keyword to import also, packages. हाँ, packages को import करने के लिए import packages use करते हैं. ठीक है. So and after that there is a functions. So as like in C++, we have a function in Go programming language also. तो जैसे C++ में आप प्रोग्राम करते हैं
तो वहां पर फंक्शंस दो तरह का होता है, यानी कि यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया दैट कि देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन, देयर इज सम प्री डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन एंड देयर इज सम यूजर डिफाइंड फंक्शन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यानी यूजर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फंक्शंस आपका अगर कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा तो एटलीस्ट एक मेन फंक्शन होगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेन फंक्शन को इंक्लूड करते हैं, यानी मेन फंक्शन को एडअप करते हैं, और आप चाहें तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वेरियस यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं वन बाय वन, उस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करके उसका एक्सेसिंग कर सकते हैं। आफ्टर दैट देर इज अ वेरिएबल, बिकॉज वंस यू राइट द फंक्शन देन यू नीड अ वेरिएबल्स, बिकॉज द वेरिएबल्स आर द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच इज यूज टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट एनी ऑब्जेक्टिव देन यू नीड अ सर्टेन प्रोसीजर्स, यू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स एंड दैट प्रोसीजर्स नीड सर्टेन वेरिएबल्स टू एग्जीक्यूट एनीथिंग। तो कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ वेरिएबल्स। तो हियर ऑल्सो वी हैव अ सेट ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन आवर प्रोग्राम एंड दैट वेरिएबल्स नीड सर्टेन डेटा टाइप, बिकॉज दैट डेटा टाइप फिक्स द रेंज ऑफ दैट वेरिएबल्स विद इन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में वेरिएबल्स का रेंज क्या होगा, उसका लिमिटेशंस क्या होगा, वो आपका डेटा टाइप तय करता है। तो वी जस्ट डिस्कस दैट डेटा टाइप्स आल्सो। आफ्टर दैट स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस, बेसिकली जो भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशंस होता है उसमें हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स आर यूज्ड इन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एंड द लास्ट वन इज द कॉमेंट्स, इट इज नॉट लास्ट, इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉप द पर्टिकुलर स्टेटमेंट और लाइन ऑफ द पर्टिकुलर और मैसेज टू एग्जीक्यूट। आप एग्जीक्यूशन से उसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो जस्ट मेक दैट मैसेज ऑन स्ट्रिंग विद इन द कॉमेंट सेक्शन। तो आपको उसको कॉमेंट सेक्शन में डाल देना है, तब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरा ये कि यहाँ इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जैसे आप हैश इंक्लूड हम लोग सी सी प्लस प्लस में करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यहाँ पर एक प्रोविजन क्या है कि आप हैश इंक्लूड नंबर ऑफ टाइम्स जो लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट को आप एक बार में नंबर ऑफ पैकेज इंपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पैकेजेज आर इम्पोर्टेड वंस विथ यूजिंग सिंगल इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे एफएमटी और मैथ, ये दो पैकेज, एक मैथमेटिकल फंक्शन के लिए एक फॉर्मेट पैकेज। तो ये दो पैकेज को हम सेपरेट इंपोर्ट करके भी लिख सकते हैं और गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करके हम पैरेंथेसिस के अंदर नंबर ऑफ पैकेजेस को इंपोर्ट एक साथ कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट आपका जो होता है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें हम लोग अभी तक देखे हैं कि कमेंट आप जैसे यूज करते थे सिंगल लाइन मल्टी लाइन, यहाँ भी यूज होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, हम लिखते हैं पैकेज मेन, देन वी जस्ट इंक्लूड द पर्टिकुलर पैकेज थ्रू द इंपोर्ट कीवर्ड। तो एफएमटी इज द फॉर्मेट पैकेज, जैसे आपका हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच है, उसी तरह से यहाँ एफएमटी फॉर्मेट पैकेज, यानी किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अगर आपको किसी एक्सपोर्टेड प्रोसीजर से करना है, फंक्शन से करना है, तो फॉर्मेट पैकेज इज नीडेड ओवर देयर। तो नेक्स्ट लाइन इज द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन या कोई भी फंक्शन यहाँ पर प्रिसीडेड होगा फंक कीवर्ड से। तो फंक इज द कीवर्ड विच रिप्रेजेंट दैट द पर्टिकुलर फंक्शन इज डिक्लेयर एंड डिफाइंड हियर। आफ्टर फंक वट एवर फंक्शन, that function may be main function or any user defined function. Now after that println या कोई भी function printf यूज कर रहे हैं, तो जैसे C, C++ में आप यूज किए, C में यूज किए था, जावा में भी यूज करते हैं, तो println में का जो पहला लेटर है वो हमेशा यहाँ पर क्या है कि println, printf जो भी है all are the exported function. तो exported function का जो पहला लेटर होगा हमेशा कैपिटल केस में होगा गोलैंग में, ये ध्यान रखना है आपको। println या printf भी अगर यूज करेंगे तो printf भी यहाँ यूज होगा क्योंकि C, C++ का मोस्ट फीचर्स यहाँ यूज होगा। तो printf भी यूज करेंगे तो p उसका कैपिटल होगा, println यूज कर रहे हैं तो p उसका कैपिटल होगा। दूसरा एक और चीज यहाँ ध्यान रखना है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन सेपरेटर।
यहाँ देर इज नो नीड टू यूज सेमी कॉलन टू सेपरेट द स्टेटमेंट फ्रॉम अनदर स्टेटमेंट. ऑटोमेटिकली आपका जो है इंटरनली आपका सेमी कॉलन इज यूज बाय द गो प्रोग्रामिंग कंपाइलर. यानी गो लैंग्वेज गो कंपाइलर जो है ये एक्सटर्नली उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है सेमी कॉलन को, ये इंटरनली उसको एडजस्ट करता है और जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं तो वो सेमी कॉलन आपका टर्मिनेट हो जाता है. दूसरा, लाइन सेपरेटर के लिए स्कैप सीक्वेंस जैसे यूज करते थे तो वो यूज करेंगे ही. अगर स्कैप सीक्वेंस नहीं यूज कर रहे हैं तो प्रिंट और प्रिंट एलन जो है ये डिफरेंटली वर्क करता है. प्रिंट आपका जो है वो सेम लाइन में प्रिंट करेगा. जैसे अगर हम इसको गूगल प्लेग्राउंड पर देखें, गो प्लेग्राउंड, तो यहां देखिए अगर यहां से हम एलन हटा दें, हमने तीन स्टेटमेंट लिखा है यहां और सब में प्रिंट लिखे हैं, तो इसका आउटकम कैसा आना चाहिए? सब एक साथ आएगा, सेम लाइन में आएगा. एक और चीज यहाँ अभी हम लोग जो बात किए, अगर हम इसको एक ही लाइन में रखें तो क्या कोई एरर होगा? नो सर, डबल कोट से तो सेपरेट नहीं आएगा एरर. लिखने से सर एरर नहीं होगा सर, क्योंकि इसको डबल कोट में हम लोग रखे हैं. हाँ, डबल कोट में रखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जो है एक लाइन में लेने से क्या हो गया कि यहाँ दोनों के बीच में कोई सेपरेटर एडिशनल यूज नहीं हुआ, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ एक एरर जो है कंपाइलर आपका एक एरर बताएगा, वो एरर क्या है कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड. नाउ सेमी कॉलन आप देंगे तो वो सेमी कॉलन आपका जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, इंटरनली वो एडजस्ट कर लेगा. सेमी कॉलन इज नॉट विजुलाइज्ड ऑन टू द पर्टिकुलर सोर्स कोड. तो बट दैट सेमी कॉलन इज नीडेड, अगर आपका कंपाइलर बता रहा है तो वी जस्ट मेंशन हियर सेमी कॉलन एंड आफ्टर दैट व्हेन यू एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली यू जस्ट सी हियर व्हेन यू रन द योर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इट विल एडजस्ट योर प्रोग्राम. ठीक है ना, तो आपका जो दो पैकेज यहाँ पर है वो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज हो जाएगा सेमी कॉलन देने से, एरर फ्री हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन सेमी कॉलन आपका कहीं विजुलाइज नहीं होगा. इसलिए हम लोग बताते हैं कि सेमी कॉलन क्या है, यहाँ पर इंटरनली जो है एग्जीक्यूट होता है, एक्सटर्नली उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है प्रोग्राम में. जैसे सोर्स कोड में अगर हम देखना चाहेंगे तो सेमी कॉलन कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो आपका कंपाइलर जो है सेमी कॉलन पर वर्क करता है. दूसरा, अभी जो लाइन सेपरेटर के रूप में अगर हम प्रिंट लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइन हम चेंज कर रहे हैं प्रोग्राम में, स्टिल इंटायर मैसेज इज डिस्प्लेड इन द सिंगल लाइन. So that is the use of line separator. Either you can use escape sequence here or you can just use ln. Print ln. So print pahla line ke baad aapko karna hai. So ln, then ln. Okay. Last line mein aap nahin bhi karenga to chalega. Pahle mein karna aur dusre mein karna jaruri. So when you write. Now see here. लास्ट लाइन में नहीं करने से क्या हुआ कि ये एलएन में कर्सर तो गया, लेकिन आपका जो है न्यू लाइन में कर्सर जाने के बाद इसको प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन आपका जो है ये कंटिन्यू रह गया. तो yes. जैसे ही यहां पर एलएन यूज करेंगे तो एज ए लाइन सेपरेटर वहां पर, यानी कि तीनों लाइन ब्रेक हो गया. yes. आप ये कुछ क्वेश्चन यहाँ करते हैं कि न्यू लाइन यूज करेंगे तो हाँ, न्यू लाइन एज ए स्कैप सीक्वेंस आप यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो स्कैप सीक्वेंस के फॉर्म में जैसे यूज कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. कुछ पूछ रहे हैं क्या? यस सर. हाँ सर, जैसे कि वहां पे गो प्लेग्राउंड पे हम लोग प्रोग्राम जो रन करवा रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट फिर सेव भी कर सकते हैं वहीं से. सर एलन जो है, हेलो. हाँ क्या बोले सर? यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं ना सर. हाँ, यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट लिख करके और रन भी करवा लेते हैं और नीचे आउटपुट देख लेते हैं. क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं. सर जैसे यहाँ पे हम लोग प्लेग्राउंड वाले पे डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं ना सर. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रन भी करवा के नीचे आंसर हम लोग देख ले रहे हैं, मतलब रन कर रहा है या नहीं. सर यहीं से अगर हम लोग परमानेंट हम लोग सेव करना चाहे तो पॉसिबल है सर? आप शेयर कर लीजिए, यहाँ से शेयर कर सकते हैं आप अपने हर कोड को. सर और नहीं नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ना, आप दूसरा ऑप्शन है कोई अपना
एडिटर को यूज कर लीजिए आप, ठीक है, एडिटर को यूज करेंगे तो वो आपके सिस्टम में रहेगा। ये तो आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं सारा चीज, जस्ट लाइक एक ऑनलाइन कंपाइलर है सर। हाँ, तो आप अगर एडिटर पर इसको लिख लेंगे, कॉपी पेस्ट, हाँ एडिटर पर लिख कर और इसको किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ पर आप रखे हैं गो का, उस फोल्डर के अंदर इसको रख लेंगे। जैसे ये एक फोल्डर हम रखे हैं यहाँ पर एक दूसरा नाम से प्रोग्राम डॉट गो, ठीक है, ये इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर यही है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये लोकेशन जाना होगा, यानी कि जिस लोकेशन पर आप प्रोग्राम को सेव करके रखे हैं ब्लैंक फोल्डर के अंदर है। देन यू जस्ट रन इट प्रोग्राम टू डॉट गो, ओनली कमांड प्रॉम्प्ट में ये सब लिखना पड़ता है। अगर आईडी यूज करेंगे, ओनली आईडी यूज करेंगे तो थोड़ी ना होगा। हाँ आईडी भी आप यूज कर सकते हैं, वो सारा चीज हम बता दिए हैं आपको। Yes. लेकिन हम आपको जो है एग्जीक्यूट करा रहे हैं इस यहाँ पर। आप नोटपैड यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं, आपका वीएस कोड यूज कर सकते हैं आईडीई के फॉर्म में, ठीक है ना, यहाँ ये प्लेग्राउंड को यूज कर सकते हैं। तो यू हैव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं जिसमें डॉट गो से, इसलिए बताया कि नोटपैड में भी यूज करेंगे तो वहां पर भी आपका सेम एग्जीक्यूट होगा। इज इट ओके? Yes, sir. कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करवाने के लिए गो का आईडी डाउनलोड करना पड़ेगा सर। कमांड जो जहां पर भी आप सेव करेंगे ना, जैसे नोटपैड में आप सेव कर रहे हैं तो नोटपैड में आप अपना जो डेस्टिनेशन जहां पर सेव कर रहे हैं उस डेस्टिनेशन, यानी कि जैसे यहां हमने सेव किया तो सेव किया, यहां सेव करने पर ये इसका लोकेशन है, सेव एज लोकेशन यहाँ डी ड्राइव का एक फोल्डर है। आप भी उस तरह का कोई फोल्डर या कोई पर्टिकुलर ड्राइव पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर उस पर्टिकुलर फाइल को रखेंगे तो जहां पर भी वो फाइल होगा उसी लोकेशन पर जाकर कमांड प्रॉम्प्ट पर रन होगा। जैसे जावा का प्रोग्राम रन करते हैं उसी तरह से यहां पर जावा में भी पाथ सेट करते हैं, यहां पर भी आपको गो लैंग्वेज के लिए उस पर्टिकुलर उस लोकेशन पर जाना होगा जहां पर आपका फाइल स्टोर्ड है। सर तो गो को भी पहले डाउनलोड कर लेंगे ना सर? हाँ, इसीलिए बताया गो इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ। जैसे अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ये काम हम लोग इसके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज करके कर रहे हैं। आप चाहें तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, गो इंस्टॉलेशन करने के बाद ही आपका वीएस कोड भी काम करेगा। तो ऑलरेडी इंस्टॉल अगर कर लिए हैं वीएस कोड में तो वीएस कोड पर भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है ना। हेलो सर, वहां पर भी हम बता दिए थे कि वीएस कोड में आपको जो है एक्सटेंशन को चेक कर लेना है कि गो एक्सटेंशन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर गो इंस्टॉल हो गया होगा तो गो एक्सटेंशन सपोर्ट करेगा और वहां पर फिर आपको व्यू में जाकर कमांड पैलेट में सारे प्लगइन्स को चेकआउट करके ओके कर लेना है ताकि आपका कोई भी एक्सटर्नल फिर इंस्टॉलेशन का जरूरत नहीं पड़े। वो चीज भी आप कर सकते हैं, वीएस कोड को भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हेलो सर, हाँ सर, यहाँ प्रिंट एलएन की यूज किया है न्यू लाइन के लिए? सर प्रिंट में जो एलएन यूज किया है वो न्यू लाइन के लिए किया है। हाँ जोर से बोलो सर। प्रिंट जो लिखे हैं ना और फिर बाद में एलएन लिखे हैं, हाँ सर वो क्यों लिखे हैं? न्यू लाइन के लिए? न्यू लाइन के लिए, हाँ लाइन सेपरेटर का यूज होगा। नहीं सर बाहर होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखते हैं वो तो पैरेंथेसिस के पहले ही ना होता है। यस सर, सर न्यू लाइन के लिए ना? हाँ न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन। ओके नाउ वी जस्ट डिस्कस सम बेसिक सिंटैक्स। जो बेसिक सिंटैक्स रिलेटेड टू द गो, सबसे पहला चीज क्या है? टोकेंस।
यहाँ चूंकि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो हम आपसे क्वेश्चन करते, टोकेंस आपका क्या है वो प्रोग्राम में, क्या है कि टोकेंस जो है वो आइदर आपका कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, लिटरल, सिंबल, किसी को भी टोकन बोलते हैं। तो आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, सपोज करो कि एक स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा fmt.println welcome to program go programming language, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं हाउ मेनी टोकन्स आर देयर, नंबर ऑफ टोकन्स हम 6 बता रहे हैं। क्यों 6 बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ हर सेगमेंट आपका टोकन है। तो टोकन नंबर 1 क्या है आपका? fmt इज द टोकन नंबर 1। टोकन नंबर 2 इज द डॉट, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑपरेटर डॉट। टोकन नंबर 3 इज द println, देन टोकन नंबर 4 इज द ओपनिंग पैरेंथेसिस, टोकन नंबर 5 इज द स्ट्रिंग और मैसेज विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन टू द पर्टिकुलर स्क्रीन, एंड टोकन नंबर 6 इज द राइट पैरेंथेसिस। दैट मींस कि इंटायर लाइन कंटेंस सेवरल टोकन्स, ठीक है ना। जब कंपाइलर डिजाइन आप पढ़ेंगे, देयर इज ऑन पेपर कंपाइलर डिजाइन सिस्टम प्रोग्राम अंडर सिस्टम प्रोग्रामिंग, देन वी जस्ट डिस्कस द लेक्सिकल एनालाइजर एंड सिमेंटिक एनालाइजर। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग ऑफ द कंपाइलर के सेगमेंट में, यहाँ पर भी टोकन आपका नंबर ऑफ जो है पार्ट में है। हर पर्टिकुलर जो आपका सेगमेंट एक से जब दूसरे में स्विच कर रहे हैं, चाहे वो स्पेशल सिंबल हो, लिटरल्स हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, आइडेंटिफायर यूज कर रहे हो, या कोई कीवर्ड यूज कर रहे हो, या कोई पैकेज यूज कर रहे होंगे, जहां पर भी ऑल आर ट्रीटेड एज ए टोकन। तो इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट consist of several tokens. So you already have a concept of tokens in C++, Java also. Java में भी token पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर भी token का काम वही है। Next, after token, we just discuss about the line separator. तो यहाँ पर जो line separator है, simply हम लोग जो line separator use करते हैं, तो line separator का काम क्या है कि एक line को दूसरे line से separate करना। तो अभी आप देखे कि यहाँ पर सेमी कॉलन यूज नहीं होता है C++ के जैसा। तो इन ए गो प्रोग्राम द लाइन सेपरेटर की इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो आप जैसे ही लाइन सेपरेटर यूज करते हैं, लाइन सेपरेटर में ln यूज किए, प्रिंट ln यूज किए, तो वो प्रिंट ln आपका क्या है, वो लाइन सेपरेटर एक्चुअली स्टेटमेंट सेपरेटर का काम करता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम करता है। इसलिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से सेपरेट करने का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता है। So there is no need to mention semicolon to separate the different statement. That's why आप देखेंगे कि Go programming language में जो भी statement लिखा जा रहा है, कहीं पर भी semicolon से terminate नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहाँ लेकिन question ये है कि semicolon काम तो कर रहा है, आपका line println line separator use कर रहे हैं, तो semicolon तो काम कर रहा है, दूसरे line में statement को execute कर रहा है। इसका मतलब है कि Go compiler externally इसको नहीं represent कर रहा है, इंटरनली आपका जो है सेमी कॉलन को प्लेस कर रहा है और आपका जो है लाइन को सेपरेट कर दे रहा है, ठीक है, जब भी आप लाइन सेपरेटर यूज करते हैं। तो अब यहाँ लाइन सेपरेटर के फॉर्म में हम लोग दो चीज यूज कर सकते हैं, या तो प्रिंट एलएन यूज कर लें, या तो एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर लें, दोनों ही फॉर्मेट आपका सपोर्टिव होगा। क्लियर है सर? हाँ सर, यहाँ पे जो लाइन सेपरेटर जो सेमी कॉलन प्लेस कर रहा है सर, इसको हम डिफरेंट लाइन में लिख रहे हैं तब ना कंपाइलर को भी पता चल रहा है कि इस लाइन के बाद सेमी कॉलन को प्लेस करना है। सर थोड़ा बैक कीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। बैक में मैंने ये बताया कि आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, दैट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल टोकन्स। How several tokens exist in the particular statement? So left side में आप यहाँ देख रहे होंगे कि token number 1, 2, 3, 4, 5, 6 represent किया हुआ है। तो token number 1 आपका पहला segment FMT है, that represent the token number 1. Print dot represent token number 2, यानी special symbol use हो रहा है वहाँ पर, dot use हो रहा है। println is another exported function is used here, so println is another token number 3. Then a special symbol parenthesis use हो रहा है, open parenthesis, that is treated as token number 4. Then there is a string message quoted enclosed within a double quote, so that message is a token number 5. And after that message end होने के बाद again right parenthesis है आपका, so that right parenthesis is also treated as token number 6. So after that there is a concept of line separator.
In C, C++, we are separating the line by introducing semicolon, but in Golang, there is no provision to include semicolon because it is internally place out by the particular Go compiler. Boliye. Sir, FMT stands for? Format package. जैसे आप स्टूडियो यूज करते हैं ना, स्टूडियो डॉट एच, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, तो स्टूडियो क्यों यूज करते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को यूज करने के लिए, स्टैंडर्ड डिवाइस, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड आउटपुट और इनपुट के लिए फॉर्मेट पैकेज यूज होता है, FMT stands for format package. तो yes. जो कुछ भी आप प्रिंट से आप देखना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहता है, डिस्प्ले होता हुआ देखना चाहते हैं, उसके लिए FMT पैकेज के थ्रू ही वो एक्सपोर्टेड फंक्शन यूज होगा. तो जो भी एक्सपोर्टेड फंक्शन यूज कर रहे हैं आप, वो उस पैकेज के अंदर आपका काम कर रहा है. तो जैसे स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तभी आप प्रिंटएफ स्कैनएफ यूज कर पाते हैं, कोनियो डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तभी आप गेट CH या क्लियर स्क्रीन यूज कर पाते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको FMT पैकेज, अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो मैथ पैकेज, अगर कोई स्ट्रिंग अगर यूज करना है तो स्ट्रिंग पैकेज, ये अलग अलग पैकेज को आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा. नेक्स्ट पार्ट इज द व्हाट? नेक्स्ट पार्ट, अभी हम लोग सेपरेटर देख लिए थे, एग्जांपल लाइन सेपरेटर, जहां पर LN यूज किए तो आपका लाइन सेपरेट हुआ, नहीं तो आपका नंबर ऑफ टाइम्स आप अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं लेकिन वो सारा कंसिडर सिंगल लाइन में होगा. आपका लाइन जो है वो चेंज करने के लिए सेपरेटर के रूप में वहां प्रिंट LN इंट्रोड्यूस हुआ. स्कैप सीक्वेंस के फॉर्म में आप जैसे यूज C++ में कर रहे हैं /n, वैसे यहां पर भी यूज कर सकते हैं. दूसरा, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स आर यूज एज ए हेल्पिंग टेक्स्ट. यू कैन से इट गिव्स यू द असिस्टेंस, यानी इट इज इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द नेक्स्ट प्रोग्रामर कि दे कैन इजिली रिकॉग्नाइज कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द प्रोग्राम, प्रोग्राम में क्या हो रहा है उसके बारे में कमेंट से आप दूसरे प्रोग्रामर को सूचना दे सकते हैं, तो उनके लिए फर्दर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने में आसानी हो जाएगा. तो जैसे आप अदर लैंग्वेज में यूज करते हैं यहाँ पर भी यूज सिमिलरली उसी तरह से यूज होगा. ठीक है, कमेंट्स. नेक्स्ट इज द आइडेंटिफायर्स. तो वट एवर रूल वी हैव फॉर आइडेंटिफायर्स इन C++ जावा, द सेम रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स इज अप्लाइड हियर ऑल्सो. जावा में जो आइडेंटिफायर के लिए, तो आइडेंटिफायर बेसिकली है क्या, कोई भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम या किसी भी यूजर डिफाइंड नेमिंग कन्वेंशन में हम आइडेंटिफायर जो भी नाम लेते हैं तो वहां पर हम अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट, C++ जावा सब में यही करते हैं. तो अंडरस्कोर और अल्फाबेट मे बी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर आइडेंटिफायर, बट डिजिट नेवर बी यूज एज ए फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द आइडेंटिफायर. किसी भी नेमिंग कन्वेंशन के लिए आप अंडरस्कोर और अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर, डिजिट को कभी भी आप फर्स्ट कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं. तो इसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अंडरस्कोर टेम्प xyz अंडरस्कोर 123, ठीक है ना. तो इस तरह से वेरिएबल हम लोग आइडेंटिफायर, फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर के रूप में यूज करेंगे. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने के चलते कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों डिफरेंटली ट्रीट करेगा कंपाइलर, ठीक है. तो उसके बेसिस पर हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे. नाउ आफ्टर आइडेंटिफायर देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड्स. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई बताएंगे? Sir, they are the reserved words which have their own meaning, sir, given by the programming language developer. The keywords are never been. The reserved word hai, sir, keyword, sir. Keywords iska programming language mein, sir, compiler mein, sir, automatic, sir. Haan. Sir, int x likhte hai na, sir. X ke jagah par agar int field likh denge to wahan par nahi le payega wo. Haan, theek. Usko compiler mein pehle se uska dal do. सही है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स यू ऑलरेडी से दैट इट इज द रिजर्व वर्ड. तो इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो इट इज रिजर्व वर्ड्स एज लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स. यू कैन नॉट यूज इट एज ए कॉन्स्टेंट और वेरिएबल और आइडेंटिफायर नेम्स. तो कोई भी कीवर्ड्स को आप वेरिएबल या आइडेंटिफायर या
कॉन्स्टेंट के रूप में नेमिंग कन्वेंशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट यूज द कीवर्ड्स इन एज ए आइडेंटिफायर इन सी सी प्लस प्लस जावा ऑल्सो. तो इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज ए आइडेंटिफायर और एनी अदर नेमिंग कन्वेंशन. तो सी में आपने कीवर्ड पढ़ा था, सी में 32 कीवर्ड्स हम लोग देखे थे. सी प्लस प्लस में 48 कॉमन कीवर्ड्स है, 15 आपका स्पेसिफिक है, यानी 15 स्पेसिफिक इन द सेंस कि आपका ये जो 15 है ये स्पेसिफिक कंपाइलर केवल सपोर्ट करता है, सारे कंपाइलर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं. तो ओवरऑल देखा जाए तो 63 कीवर्ड्स आपका जो है वो सी प्लस प्लस में है, जिसमें 32 कीवर्ड आपका तो डायरेक्ट सी से आ गया सी प्लस प्लस में, 31 कीवर्ड्स जो है वो सी प्लस प्लस में नया इंट्रोड्यूस हुआ. हाँ, तो यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है गो प्रोग्रामिंग में रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड कुछ कीवर्ड है. तो कीवर्ड में कुछ कीवर्ड आपको दिख रहा होगा इसमें जो सिमिलर टू सी सी प्लस प्लस है, जैसे ब्रेक. ब्रेक इज द कीवर्ड विच इज सिमिलर टू द पर्टिकुलर ब्रेक कीवर्ड यूज इन सी सी प्लस प्लस. जो स्विच स्टेटमेंट में आप यूज करते हैं केस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट. Then there is a one can CHAN नया कीवर्ड है. const then continue then default ठीक है ना, because channel is also used here. तो चैन पर्टिकुलर उसके लिए है. default defer else fall through for कुछ कीवर्ड आपका सिमिलर है. func जो हम लोग फंक्शन के पहले इंट्रोड्यूस करते हैं. go का g कैपिटल है, go to का g कैपिटल है. if import interface map पैकेज रेंज रिटर्न सेलेक्ट स्ट्रक्ट. स्ट्रक्ट का एस कैपिटल है, स्विच का एस कैपिटल है. ऑल आर एक्सपोर्टेड टाइप का टी कैपिटल है और वैर का वी कैपिटल है. ये इतने कीवर्ड का यूज किया गया है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ठीक है. तो कीवर्ड्स के बाद नेक्स्ट After keywords, we'll discuss about some special character like white spaces. Go में white spaces का क्या role है? Then आपका जो है कोई भी variable को declare करने के लिए हमारा तो तरीका क्या है? What is the declaration of variable? कैसे declare करते हैं? तो next how many data आ रहे हैं? Data type में आ रहे हैं. Let me complete one by one. White space in Go. Sir. हाँ. Sir, जो आप बताए थे ना जो लाइन सेपरेटर जो सेमी कॉलोन ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है कंपाइलर गो का. हाँ. तो सर जैसे हम कोई भी एक लाइन लिखे उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तब ना सर उसको भी पता चलेगा कि उस पहले लाइन के बाद सेमी कॉलोन को इंसर्ट करना. अगर हम कंसेक्यूटिवली स्टेटमेंट लिखते जाते हैं तब तो वो नहीं ना आइडेंटिफाई कर पाएगा सर. इसीलिए तो लाइन सेपरेटर का जरूरत पड़ा. Yes, लिखे तभी तो स्कैप सीक्वेंस का जरूरत पड़ा, तभी तो लाइन सेपरेटर का जरूरत पड़ा. जब आप yes. लिखते चले जाते हैं तो उसको वो ट्रीट करता है कि आप सेम लाइन लिखते जा रहे हैं. यस है ना, इसीलिए तो दिखा है लाइन सेपरेटर जो प्रिंट एलएन यूज किए या स्लैश एन स्कैप सीक्वेंस यूज करेंगे दोनों ही केस में जो है वहां पर हमारा इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन वही था कि उसको ये पता चले कि हम दूसरे लाइन में जाना चाह रहे हैं. दूसरे लाइन में जाना चाह रहे हैं तो वो हमारा इंटरनली स्कैप सीक्वेंस उसको सेमी कॉलन से उसको टर्मिनेट कर लेगा ठीक है ना. तो सर वो तो सर आउटपुट के लिए ना हुआ, जैसे अगर हम कोई चीज को प्रिंट कराना चाह रहे हैं स्क्रीन पे तब ना बैक स्लैश एन या वही प्रिंट एलएन का यूज कर लेंगे. मेरा कहने का मतलब है सर कि अगर हम fmt.println और एक स्टेटमेंट लिखे और दूसरा लाइन में भी हम लिख रहे हैं fmt.println, अगर इन दोनों स्टेटमेंट को हम एक ही लाइन में लिख दें तब
तो फिर हमको इम्प्लिसिटली डालना पड़ेगा ना वहां पे सेमी कोलोन सर एक लाइन के बाद। अब चेक कर लीजिए, डालना वहां डालना पड़ेगा, वहां जब डालेंगे तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। यस सर, वो जैसे जो चीज वहां किए थे वो चीज। आप ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ प्रिंट एलएन यूज दोनों लाइन को एक ही लाइन में सेपरेट कर ये ना, और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दें। हाँ सर वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आएगा आपका सर, एरर जेनरेट होगा सर ऐसे में, ठीक है। तो यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये यहाँ सेमी कॉलम दे दें। यस सर, अगर सेमी कॉलम दे देते तब तो हो जाना चाहिए सर, ठीक है। तो ये सेमी कॉलम देने से तब आ जाएगा सर, आपको फॉर्मेट भी कर देगा वो। यस सर, जो काम यहाँ हुआ था, हाँ जो काम यहाँ हुआ था वही काम यहाँ भी हो जाएगा। Yes, वो सेमी कॉलम दिखेगा नहीं, लेकिन अभी भी आपका क्या है कि या यहाँ पर आपका सोर्स कोड में उसको सेपरेट कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है। Yes, तो उसको तो करने के लिए एलएन लगाना पड़ेगा, बट एग्जीक्यूशन पार्ट स्टिल रिमेन सेम, तो फॉर दैट लाइन सेपरेटर इज यूज, या तो बैकस्लैश एन यूज कर देंगे सर, यहाँ वो भी यूज कर सकते हैं। गलत हो गया क्या जी? यही होता है ना सर, यहाँ पे दो लाइन जनरेट हो जाएगा ना, एक तो ln वाला जो है पहला वाला प्रिंट ln हेलो के बाद एक नया लाइन जनरेट करेगा, और फिर यहाँ पे बैकस्लैश n है तो फिर एक नया लाइन जनरेट हो जाएगा। दो लाइन हो गया सर, एक लाइन आपका एक्स्ट्रा जनरेट, यहाँ पर अगर नहीं करेंगे तो चलेगा। यस सर, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो ln या slash n ले रहे हैं ये हम लाइन सेपरेटर के लिए ले रहे हैं, सोर्स कोड में आपका जो है स्टेटमेंट को वो इंटरनली एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना, अगर सेमी कॉलन आप डालते हैं तो, और नहीं तो वहां पे एरर देगा अगर कंटिन्यू कर रहे हैं बार बार पैकेज से डिफरेंट एक्सपोर्टेड फंक्शन यूज करेंगे तो। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस जो है बेसिकली अब यहाँ पर व्हाइट स्पेस जो है हम लोग अभी यूज किए न्यू लाइन टैब, ये सारे जो है व्हाइट स्पेस के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हाइट स्पेस के लिए क्या करेंगे कि आपका जो गो जो है वो व्हाइट स्पेस के लिए, जैसे आप स्कैप सीक्वेंसेस यूज कर रहे थे, तो जैसे आप स्कैप सीक्वेंसेस न्यू लाइन टैब जो भी यूज किए सी सी प्लस प्लस में, वो सारे फीचर्स यहाँ भी यूज होंगे, गो में भी ये वो सारे फीचर्स यूज होंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वेर एज, ठीक है ना, इंट सेमी कॉलन फिर दे दिए सेमी कॉलन, यहाँ इंटरनली आपका सेमी कॉलन रहेगा ताकि ये सेपरेट हो जाए। तो वेर एज इंट, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, वाइट स्पेस ये वेर कीवर्ड के बाद एक स्पेस, देन वेरिएबल, देन आपका स्पेस, देन आपका डेटा टाइप। इसका जो सीक्वेंसिंग है लिखने का तरीका जो है जस्ट रिवर्स है सी सी प्लस प्लस से, यहाँ पर डेटा टाइप सबसे राइट मोस्ट सेक्शन में रहता है, उसके पहले आपका वेरिएबल रहता है, फिर आपका जो भी आइडेंटिफायर या कीवर्ड जो आप ले रहे हैं वो कीवर्ड। तो वेर वेरिएबल के लिए वेर यूज होता है, यानी कोई भी वेरिएबल जिसका वैल्यू आप रन टाइम में चेंज कर सकते हैं उसके लिए वेर कीवर्ड यूज होगा। एज इज द वेरिएबल, इंट इज द डेटा टाइप, ठीक है ना। देयर आर लार्ज रेंज ऑफ डेटा टाइप, डिफरेंट रेंज ऑफ डेटा टाइप फॉर इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर सब स्ट्रिंग सबके लिए अलग अलग रेंज का डेटा टाइप है अकॉर्डिंग टू बाइट, ठीक है ना, जैसे 8 बाइट 16 बाइट 32 बाइट 16 बिट 32 बिट 64 बिट, ठीक है ना। उस तरह से हमारा जो है यहाँ पर अगर फ्लोट डेटा को देखें तो फ्लोट 32 फ्लोट 64, ठीक है ना, ये 32 बिट 64 बिट को रिप्रेजेंट करता है साइज जो आप हम लोग जो मेंशन करते हैं, ठीक है। तो वाइट स्पेस अब जो है बेसिकली आपका यूज होगा जब भी हम कोई भी
कीवर्ड या कोई भी वेरिएबल या डेटा टाइप के बीच में सेपरेशन का यूज करेंगे तो व्हाइट स्पेस यूज होगा। दूसरा, फॉर्मेटिंग के लिए अगर व्हाइट स्पेस यूज करना है तो वहाँ एस्केप सीक्वेंस जैसे आप यूज कर रहे थे, एस्केप सीक्वेंस यहाँ भी आपका विद इन डबल कोट यूज होगा। ठीक है, ये तो हुआ डिक्लेरेशन एरिया में यूज होगा, और जो आपका फॉर्मेटिंग एरिया यानी कि जो फंक्शन जहाँ लिखेंगे वहां पर भी एस्केप सीक्वेंस आप एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमको कोई भी दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वेर ए बी इंट टाइप, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको एक और सी ले लेते हैं और ए में कोई पर्टिकुलर वैल्यू है सपोज 10, बी में कोई वैल्यू है 20 और सी इज इक्वल टू लिखना है तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी आपका काम करेगा जैसे अदर आपका है। अब इसी को आप जब अगर किसी प्रिंटलाइन के अंदर लिखेंगे तो वहां पर आपका एस्केप सीक्वेंसेस यूज होगा, नॉर्मल डिक्लेरेशन में एस्केप सीक्वेंसेस यूज नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई व्हाइट कैरेक्टर या व्हाइट स्पेस बोल के कोई पर्टिकुलर इंटीजर या डेटा या वेरिएबल्स यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे। नाउ सबसे मेजर पार्ट जो है वो है आपका डेटा टाइप्स। ठीक है ना, तो गो डेटा टाइप्स, क्योंकि बिना डेटा टाइप्स के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वर्कआउट नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट लाइन में वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होता है और वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमको ये फिक्स करना होता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल, वेरिएबल में जो वैल्यू होगा वो कितने रेंज तक का वैल्यू आप उसमें रख सकते हैं। तो अगर डेटा टाइप को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे एनीवन? सर, डेटा टाइप आर द रिजर्व्ड वर्ड्स व्हिच एक्चुअली स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ मेमोरी व्हिच वेरिएबल विल ऑक्यूपाई। सर, यहां पर भी इन इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप्स रेफर टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम used for declaring variables or functions ठीक है ना, of different types, variables भी हो सकता है, कोई function भी हो सकता है, variables में आपका array भी आ जाएगा सब कुछ, तो उसको डिफरेंट टाइप्स में रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा टाइप्स यूज किया जाता है। अब कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द डेटा टाइप्स? अमाउंट ऑफ मेमोरी, हाँ, टाइप ऑफ अ वेरिएबल, टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइंस, टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट अकर्स या ऑक्यूपाई, हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन द मेमोरी, हाँ, हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन स्टोरेज, इन प्राइमरी मेमोरी कैन सी, इन स्टोरेज एंड हाउ द बिट रेंज ऑफ द वैल्यूज, द बिट स्टोर्ड is interpreted, ठीक है ना, how the bit stored is interpreted। तो go के go programming language में list of data types है, one by one we discuss the particular, तो step by step one by one we discuss, तो there are number of data type supported by Go programming language. So one by one, first we discuss the boolean.
सबसे पहले बुलियन, ठीक है ना, बुलियन टाइप्स, बुलियन टाइप्स का मतलब ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन टाइप्स आपका जो है, आप जब बुलियन टाइप्स में कोई भी कंडीशन चेक करेंगे, पाइथन में भी किए होंगे, यस सर, पाइथन में दो वैल्यू के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो रिजल्टेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं होगा। मान लेते हैं कि कोई वैल्यू है ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, और अगर हम कंडीशन चेक करें इफ ए इक्वल टू इक्वल टू बी, तो ये या तो कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यस यस, बुलियन स्टेज में अगर रिजल्ट देगा तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। इफ A less than B, true or false? True sir, true sir. True sir. इसका statement हमारा जो है वो boolean types में आपका जो representation देगा, तो boolean types क्या represent करेगा? It represent the boolean types and consist of the two predefined constants, ठीक है ना? ये two predefined constants क्या है? True and false. Operands sir. Yes, predefined constants. Predefined constants are true and false. ये true और false, ये दो predefined function है, so you can mention here they are boolean types, what they are, the boolean types and consist of two predefined constants, predefined constants, and you just mention first one is the true and second one is the false. तो ये आप जब भी boolean types use करेंगे तो ये determine होकर रखिए कि इसमें दो तरह का constant, predefined constant use होगा, एक true और दूसरा false. After that there is numeric type. Numeric types, data type. तो न्यूमेरिक टाइप्स में आपका जो है इसमें इंटीजर, फ्लोट, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। सी में भी आप पढ़े होंगे, वहां पर भी न्यूमेरिक में इंटीजर और फ्लोट होता है। यस सर, डबल लॉन्ग, हाँ हाँ, डबल लॉन्ग वो इंटीजर का ही एडवांस है, लॉन्ग डबल का, फ्लोट का एडवांस है लॉन्ग, साइज बढ़ जाता है सर। हाँ, तो न्यूमेरिक टाइप्स इट रिप्रेजेंट्स, तो दे आर arithmetic types, they are arithmetic types and they represents इसमें भी first integer type and second floating point, यानी float type, ठीक है ना, variable throughout the program, ठीक है। तो बुलियन टाइप में आपका प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट ट्रू फॉल्स हो गया, न्यूमेरिक में इंटीजर और फ्लोट हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रिंग टाइप, आगे फर्दर हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे। स्ट्रिंग टाइप, ठीक है ना, तो स्ट्रिंग टाइप्स में बेसिकली स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग में क्या रखते हैं, यहाँ पर हम जो है यहाँ ये स्ट्रिंग के लिए होता था और सिंगल कोट होता था कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर के लिए, ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था और ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता था, और दोनों के लिए डेटा टाइप कैर ही लेते थे, yes, है ना। डिफरेंट क्या हो जाता था, कैर ए लिखे तो, और कैर ए 10, ठीक है ना, इसके अंदर कोई डेटा ले लिए, सपोज एक्स वाई जेड, ठीक है, या एक्स वाई जेड अलग अलग ले लेंगे तो ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ए ले लिए ए इक्वल टू 10, अगर हम डिजिट ही रखते हैं तो सिंगल कोट में, तो ये हमारा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन यहाँ पर
स्ट्रिंग टाइप आपका क्या डिनोट करेगा, स्ट्रिंग टाइप रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ स्ट्रिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, स्ट्रिंग वैल्यू बोल सकते हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है ना, तो इट रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज और इट इज या इट्स वैल्यू इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, तो जो वैल्यू होगा वो आपका सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होगा, तो स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप बार बार हम लोग यूज करते हैं, एक वर्ड होता है इम्यूटेबल। यस सर, व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल? इम्यूटेबल मींस अनचेंजेबल, अनचेंजेबल सर, चेंज नहीं कर सकते। यस, म्यूटेबल, चेंजेबल सर, चेंजेबल। तो स्ट्रिंग जो वैल्यू है, जो भी आप वैल्यू, जो भी स्ट्रिंग टाइप जब लेंगे वो आपका इम्यूटेबल है, ठीक है ना, इट इज नॉट, यानी एक बार क्रिएट कर दिए तो वो चेंजेबल चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल वंस क्रिएटेड, एक बार जब क्रिएट हो जाएगा तो ये चेंज नहीं करेंगे, दैट इज वंस इट इज स्ट्रिंग इज क्रिएटेड तो इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द, ठीक है ना, तो यू कैन से मींस दैट, दैट मींस वंस इट इज क्रिएटेड then it can't be changed, we can't change its contents, मतलब सर कोई स्ट्रिंग में अगर असाइन कर दिए तो वापस उसमें रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हम, चेंज करना पड़ेगा, चेंज इट्स इट्स कंटेंट्स ऑफ, वी कांट चेंज इट्स कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग, चेंज कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हम लोग नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये प्री डिक्लेयर्ड टाइप आप बोल सकते हैं इसको, प्री डिक्लेयर्ड स्ट्रिंग टाइप आपका जो है जो यूज होगा वो स्ट्रिंग होगा, क्योंकि बाकी जो हम लोग डिस्कस किए बुलियन, ये बुलियन डेटा टाइप के लिए हम देखेंगे बुल यूज करेंगे, इंटीजर और फ्लोट के लिए भी वेरियस अभी डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे अलग अलग ऑपरेशन के लिए, लेकिन इसका प्री डिक्लेयर्ड स्ट्रिंग का टाइप जो है, प्री डिक्लेयर्ड स्ट्रिंग टाइप इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज द प्री डिक्लेयर्ड स्ट्रिंग टाइप, then fourth one is the derived types, just like array sir, function, plus plus हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसको declare करते हैं various data type, built-in type, derived data type, user-defined data type, है ना, enumerated data type, हाँ, तो built-in में आपका integer, float, ये सब built-in में आ जाता है, और integer से जब हम कोई array बना लेते हैं, इंटीजर यानी कि एरे का जो है डेटा टाइप इंटीजर होता है, तो एरे के पहले इंट लगा दिए, उसी तरह से कोई फंक्शन को हम जो है डिनोट करते हैं उसका रिटर्न टाइप, तो पर्टिकुलर एरे, पॉइंटर जो भी है, ये सब जो हम लोग एडिशनल यूज कर रहे हैं ये डिराइव में आएगा, ये यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, यस डिराइव में आएगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड सर, स्ट्रक्चर और यूनियन, और एरे डेराइव्ड डेटा टाइप, हाँ, इंट को यूज करके हम उसको एरे को बनाते हैं, तो वो पर्टिकुलर डेराइव्ड डेटा टाइप्स में आएगा, यहाँ पर भी डेराइव्ड डेटा टाइप्स में एरे आएगा आपका, पॉइंटर आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, यूनियन आएगा, जितना भी फंक्शन, ये सब स्लाइस, इंटरफेस, मैप, चैनल टाइप, सब आपका डेराइव्ड डेटा टाइप में आएगा, ठीक है ना, तो डिराइव डेटा टाइप्स में जैसे C++ में कॉन्सेप्ट है वही चीज यहाँ पर भी है, तो इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, है ना, ठीक है ना, पॉइंटर टाइप्स, एरे,
array types, structure type. सर structure तो user defined data type होता है ना सर. लेकिन यहाँ derived data type नहीं आएगा. अच्छा. ठीक है ना. Structure, union. ठीक है ना. Then function. Function types. Then slice types. ये नया होगा आपके लिए. Java में यूज किए होंगे slice types. नहीं सर अभी तक तो नहीं. अभी नहीं यूज किया. Java में नहीं किए. अभी तक सर. Face types. लर्निंग में डीप लर्निंग में यूज हुआ था ना जी स्लाइस. डीप लर्निंग का ना सर. इंटरफेस टाइप्स. देन मैप टाइप्स. देन चैनल टाइप्स. तो यहाँ इतना डिफरेंट टाइप का डिराइव्ड डेटा टाइप है. तो पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, स्लाइस सबको हम लोग देखेंगे. ठीक है ना. तो नेक्स्ट क्लास में आई जस्ट कंक्लूड द पर्टिकुलर डेटा टाइप्स. डीप लर्निंग उतना